आज है 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी हाई कोर्ट का आदेश, कोविड में ड्यूटी के दौरान मृत कर्मचारी के परिवार को दें योजना का लाभ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कोविड के दौरान नगर निगम में कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु के मामले में उसकी पत्नी को मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ देने का आदेश दिया। योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि पर शासन को बैंक दर से ब्याज भी देना होगा। मामला निगम कर्मी जगदीश करोसिया का है। 10 जुलाई 2020 को नगर निगम ने उन्हें सुपरवाइजर के रूप में नियुक्ति दी थी। मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ी महान विभूतियों के नाम पर भोपाल के मार्गों पर बनाए जाएंगे द्वार। गांधी जयंती के मौके पर राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित स्वच्छता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के इतिहास से जुड़ी महान विभूतियों के नाम पर भोपाल के मार्गों पर द्वार स्थापित किए जाएंगे। भारतीय संस्कृति से जुड़े महापुरुषों भगवान राम, राजा भोज, राजा विक्रमादित्य, सम्राट अशोक आदि के नाम पर इन द्वारों का नामकरण किया जाएगा। नर्मदा एक्सप्रेस, भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस सहित 22 ट्रेन कैंसिल। नवरात्र में अगर आप भोपाल से रायपुर और लखनऊ की ओर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो रेल यात्रा में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसका मुख्य कारण ये है कि पश्चिम मध्य रेल जोन से जाने वाली 22 ट्रेन को निरस्त किया गया। वहीं संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में तीसरी रेल लाइन परियोजना का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बीर सिंहपुर रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य चल रहा है। जबलपुर से स्पाइसजेट कंपनी ने बंद की मुंबई दिल्ली की उड़ान, अब इंडिगो पर बढ़ेगा दबाव। मध्य प्रदेश के जबलपुर के डुमना विमानतल पर उड़ानों की संख्या बढ़ने की बजाय कम हो रही है। स्पाइसजेट कंपनी ने दिल्ली और मुंबई की विमान सेवा को बंद कर दिया है। कंपनी ने अपना सारा कामकाज ही एयरपोर्ट से खत्म कर दिया। इसके बाद दिल्ली और मुंबई के लिए अब सिर्फ इंडिगो के विमान के भरोसे पैसेंजर रहने पर मजबूर हैं। भारी बारिश के चलते फसलों को 20% नुकसान, लेकिन किसानों को नहीं मिलेगा मुआवजा। मुरैना समेत मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। सरकार की व्यवस्था के मुताबिक अधिकारियों ने खराब फसलों का मुआयना किया। ताजा खबर यह है कि प्रशासन के सर्वे के मुताबिक मुरैना में फसलों को 20% नुकसान हुआ। इसका मतलब यह है कि इन किसानों को बीमा के एवज में मुआवजा नहीं मिलेगा। नियम के अनुसार बीमा से मुआवजा तभी मिलता है जब फसल को 25% नुकसान हो। संगठन में जान फूंकने मैदान में उतरेगी कांग्रेस की सभी इकाइयां। बच्चियों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर छेड़ा अभियान। विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा के हाथों करारी हार मिलने से कार्यकर्ताओं में आई निराशा को दूर करने और संगठन में जान फूंकने में प्रदेश कांग्रेस जुटी हुई है। इसके लिए सभी इकाइयों को एक साथ मैदान में उतारा गया। किसानों की मांगों के समर्थन में आंदोलन चलाने के बाद अब बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभियान शुरू किया है। इसकी कमान महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस के साथ NSUI को दी गई। आमजन तक पार्टी की बात पहुंचाने के लिए प्रदर्शन अब बड़े शहरों में करने के स्थान पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर ले जाने की तैयारी है। भोपाल में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन, सीएम हाउस तक न्याय यात्रा निकालने पर अड़ी। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक बुधवार को गांधी जयंती के मौके पर राजधानी के अम्बेडकर पार्क में एकत्रित हुए और नियमितीकरण सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक सीएम हाउस तक न्याय यात्रा निकालते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष अपनी मांगे रखना चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। अम्बेडकर पार्क के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग भी कर रखी है। स्मार्ट चिप कंपनी ने बंद किया काम, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं बना पा रहे लोग। नायदा मुंडला स्थित परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड के प्रिंटिंग का काम मंगलवार से पूरी तरह से बंद हो गया। स्मार्ट चिप कंपनी ने काम पूरी तरह से बंद कर दिया। इससे आमजन को खासी परेशानी होगी। पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस की 8,000 से अधिक कार्ड प्रिंट होना बाकी है। दिवाली में महाकाल मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। मध्य प्रदेश समेत देश के सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकी डाक के जरिए राजस्थान के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को भेजी गई। इस धमकी में उज्जैन के महाकाल मंदिर के अलावा राजस्थान के कई शहरों के रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरे डाक की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने संभावित खतरे को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के आदेश जारी किए।
एमपी के कर्मचारियों के जबरदस्त चाहत, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मिलने वाली बड़ी सुविधा। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की चाहते बड़ी हैं, विदेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुविधा की मांग कर रही हैं। इसके लिए कर्मचारी अधिकारी आंदोलन की राह पर भी निकल पड़े। जबलपुर में सैकड़ों कर्मचारियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पदयात्रा निकाली और साफ शब्दों में कहा कि जो ओपीएस देश के पीएम प्रेसिडेंट को मिलती है वही हमें भी चाहिए। कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ सकती है जिलों की संख्या, बड़े पैमाने पर होगा बदलाव। मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्सों को तोड़कर जिला बनाने की मांग तेजी से चल रही है। सरकार की ओर से परिसीमन आयोग का गठन कर दिया गया है। अभी एमपी में कुल 55 जिले हैं। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट सौंपने के बाद जिलों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। सिंधिया ने पार्टी तोड़ी, चौहान ने वादा तोड़ा और सीएम ने लिखा पत्र। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आर्यपार के मूड में आ गए हैं। प्रदेश के सैकड़ों अतिथि शिक्षक बुधवार को सुबह से राजधानी भोपाल आ गए और यहीं डटे रहने की घोषणा कर रहे हैं। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर अंबेडकर पार्क से मुख्यमंत्री आवास तक निकाले जा रहे मार्च में कई शिक्षक बेहोश हुए, कई महिलाओं की तबीयत खराब हो गई। पुलिस अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन को गैर कानूनी बताते हुए उन पर गोली चलाने की चेतावनी दे रही है, पर इसके बाद भी उनके हौसले पस्त नहीं पड़ रहे। ग्वालियर में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ वापस जाओ के नारे, हिरासत में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता। ग्वालियर में बुधवार को बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पहुंचते ही हिंदू महासभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। हिंदू महासभा ने चेतावनी दी थी कि उनके लोग बांग्लादेश की टीम के आने का विरोध करेंगे। पुलिस प्रशासन भी उनकी धमकी को लेकर सजग था, फिर भी हिंदू महासभा के कई कार्यकर्ता सड़क पर झंडा लेकर उतर गए। इन लोगों ने बांग्लादेश वापस जाओ के नारे भी लगाए। बताया जाता है कि कई कार्यकर्ता पिच कूदने के लिए स्टेडियम की ओर रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सीएम ने ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों को किया सम्मानित, बोले पदक की तैयारी करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को टीटी नगर स्टेडियम में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 के चैंपियन खिलाड़ियों को सम्मान राशि व शासकीय सेवा में नियुक्ति पत्र बांटे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ियों से खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने की तैयारी करें, आगे की चिंता हम करेंगे। उन्होंने ओलंपिक में भारतीय हॉकी का गौरव लौटने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे लिए गर्व का विषय है। अंतिम सुनवाई में लगा डेढ़ दशक का समय, इंश्योरेंस कंपनी को मिली राहत। मुआवजा राशि के दायित्व को चुनौती देते हुए यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। इंश्योरेंस कंपनी की अपील की सुनवाई के दौरान साल 2009 में अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी किए गए। डेढ़ दशक बाद आए फैसले में इंश्योरेंस कंपनी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। प्रदेश में 5 से 6 अक्टूबर को होगी अंतिम बारिश, मानसून की विदाई हुई शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून के बुधवार से मध्य प्रदेश से विदाई की शुरुआत हो गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर कला से मानसून विदा हो गया है। 3-4 दिन में प्रदेश के अधिकतर जिलों से मानसून की वापसी संभव है। हालांकि वातावरण में बड़े पैमाने पर नमी बने रहने से आंशिक बादल बने रहने की संभावना है। इंदौर में सियागंज के व्यापारियों की पहल, मिलावट करने वालों के साथ कभी नहीं करेंगे बिजनेस। सियागंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने घोषणा की है कि मिलावट करने वालों की शिकायत करें, हम ऐसे लोगों के बाजार से बहिष्कार करेंगे। थोक बाजार से मिलावट वाला व्यापार करने वालों पर नकेल कसने के लिए यह एसोसिएशन आगे आया है। मिलावटी सामान बेचने वालों की जानकारी एसोसिएशन को देने की अपील की गई। बीते साल व्यापारी एसोसिएशन ने ऐसी घोषणा की थी। पर्यटकों के लिए खुल गया वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, 2 गेटों से मिलेगा प्रवेश। जिले की सीमा में फैला वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुल गया है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य पार्क और अभ्यारण्य भी खुल गए। 3 महीने के बाद टाइगर रिजर्व में जंगली जानवरों को देखने पहुंचे सैलानियों का उत्साह भी देखते बन रहा है। इस वर्ष 2 गेट से पर्यटकों को एंट्री दी जा रही है। तेंदुखेड़ा ब्लॉक का आधा हिस्सा इसी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। इसके चलते बाघ आए दिन लोगों को सड़क पार करते दिखाई दिए थे। वायुसेना को मिला फाइटर जेट सुखोई का पहला भारतीय इंजन। वायुसेना को फाइटर जेट सुखोई का भारत में बना पहला इंजन हासिल हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सुखोई के पहले इंजन AL-31FP को वायुसेना को सौंपा है। पिछले महीने ही रक्षा मंत्रालय ने सुखोई फाइटर जेट के लिए 240 एरो इंजन की खरीद के लिए HAL के साथ एक अनुबंध किया था। इस करार की कुल कीमत 26,000 करोड़ से अधिक है। नवरात्रि पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का सबसे बड़ा कार्यक्रम, बागेश्वर धाम में उमड़े लाखों भक्त।
देश दुनिया की तरह मध्य प्रदेश में भी नवरात्रि की तैयारियां चरम पर हैं। शक्ति पूजा के इस महापर्व के लिए हर कोई उत्साहित है। प्रदेश भर में जहां घरों में देवी पूजा की तैयारी की जा रही है, वहीं सार्वजनिक दुर्गा उत्सव और गरबा आदि के आयोजनों की तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रदेश के नए धर्मस्थल के रूप में विख्यात हो रहे बागेश्वर धाम में भी इस बार नवरात्रि पर खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 18 अक्टूबर से अरगांव में 2 घंटे का चक्का जाम, पूर्व सीएम का मिला साथ तो सरपंच संघ ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पंचायती राज व्यवस्था के अधिकारों की मांग कर रहे राष्ट्रीय सरपंच संघ को अपना समर्थन दिया। मांगे पूरी न होने पर सड़क जाम करने का आह्वान भी किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के कार्यालय में उनका एक वीडियो भी जारी किया गया है। ग्वालियर पहुंची टीम इंडिया, बांग्लादेश से होगा मुकाबला, हिंदू महासभा का विरोध। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला ग्वालियर में बने नए स्टेडियम में पहली बार होगा। वहीं बुधवार को खिलाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ी सुबह ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे। एक और एलीट क्लब में शामिल होने वाला है भारत, इसरो के बाद रेलवे करेगा कमाल। चांद पर पहुंचने वाले चुनिंदा देशों की एलीट सूची में शामिल हो चुका भारत अब रेलवे क्षेत्र में भी कमाल करने की तैयारी में है। खबर है कि देश को जल्द ही हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात मिल सकती है। खास बात यह है कि इस खास ट्रेन का संचालन करने वाले दुनिया में सिर्फ 4 देश हैं। कहा जा रहा है कि इससे नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिल सकती है। खबर है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने मौजूदा DEMU यानी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल को दोबारा फिट करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। धान के किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, गैर बासमती चावल के निर्यात से हटाया प्रतिबंध। भारत सरकार के एक निर्णय से मध्य प्रदेश के किसान और निर्यातकों की आय में वृद्धि होगी। गैर बासमती चावल के निर्यात से सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय को कृषि निर्यात में सुदृढ़ीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। मूल्यांकन में भुगतान करोड़ा, होम्योपैथिक की स्नातक परीक्षा भी आगे बढ़ी, इस माह होगी शुरू। आयुर्वेद के बाद होम्योपैथिक की स्नातक परीक्षा के आयोजन की तिथि आगे बढ़ा दी गई। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने BHMS द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की थी, इसे अंतिम समय पर स्थगित कर दिया गया। सत्र 2021-22 में प्रवेशित छात्र छात्राओं की द्वितीय वर्ष की परीक्षा की नई समय सारणी घोषित की गई है। 6 से 28 नवंबर तक प्रश्न पत्र होंगे। परीक्षा टलने का कारण पूर्व परीक्षा का परिणाम लंबित होना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।